हुए बेहतरीन पहलवान दीपक पुनिया, जो कि टोक्यो में मेडल जीतते जीतते रह गए थे। लेकिन यह कसर यहां पर पूरी करनी होगी गोल्ड मेडल जीतने के लिए। दोनों ही पहलवान तैयार, रेफरी द्वारा कुश्ती की शुरुआत कर दी गई है। मोहम्मद इनाम जो हैं फ्लैग बेरर थे ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान की क्रिकेटर बिस्मा मारूफ के साथ। दो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल उनके नाम हैं। लेकिन दीपक पुनिया, इनकी हालिया फॉर्म कैसी है कृपा जी? बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लग रहा है दीपक पुनिया अगर शुरुआती दौर से ही यानी लगातार चलते रहेंगे, देखिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं दीपक पुनिया। ये झटका दिखाता है दीपक पुनिया का पहला ही झटका, जिसमें गदड़ से लंबे पड़ गए लेकिन उतनी ही चपलता से पाकिस्तान के पहलवान खड़े भी हो गए। तो ये फिटनेस दिखाती है दोनों ही पहलवानों की कि किस लेवल की ये कुश्ती हो रही है। भारत और पाकिस्तान का फाइनल है, स्टेडियम में समर्थन पूरी तरह से दीपक पुनिया के साथ है। मोहम्मद इनाम एक बेहतरीन पहलवान जरूर हैं, अनुभवी हैं, और सही मायने में ये अनुभव और युवा जोश का मुकाबला है। बिल्कुल सही कहा तनेजा, क्योंकि ये जो मुकाबला है बहुत ही अहम है दीपक पुनिया के लिए। एक तरफ अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा, ये कह सकते हम, और लगातार प्रयास करते रहेंगे दीपक पुनिया तो पाकिस्तानी पहलवान को छकाने में कामयाब होंगे। ऐसा इसीलिए मैंने ये बात स्टूडियो में नहीं कही क्योंकि पाकिस्तानी पहलवान के पास ना पहुंच जाए। बिल्कुल, कुछ अस्त्र शस्त्र है छुपा के रखने पड़ते हैं। कृपा जी ने बिल्कुल सही टाइम पे वो अस्त्र निकाला है। अभी तक किसी को पॉइंट नहीं, दीपक क्या पहला पॉइंट, क्या ये टेक डाउन सही माना जाएगा? इनाम पैसिव डिक्लेयर किए गए थे, थम्स अप मिला है भारत को, पहला पॉइंट मिला है भारत को। और अगर 20 सेकंड और हो जाएंगे तो एक अंक और मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान के पहलवान को 30 सेकंड एक्टिवेट टाइम में डाला गया, डिफेंसिव खेल रहे हैं। एक अंक मिला है, एक अंक और मिल जाएगा 12 सेकंड के बाद। बिल्कुल, इन 8 सेकंड में अगर इनाम ने पॉइंट नहीं लिया तो वो पैसिविटी का पॉइंट भी भारत को मिलेगा। बस 3-2-1 से फिलहाल दीपक पुनिया आगे हो जाएंगे। पर मैं समझता हूं ये दो अंकों की बढ़त पर्याप्त नहीं है, दीपक पुनिया को और प्रहार करने चाहिए। शुरुआती 3 मिनट में ही अंक इतने बटोर ले कि आगे के जो 3 मिनट हैं उसमें भी पाकिस्तानी पहलवान के होश उड़ा देने चाहिए क्योंकि स्टेमिना कम है। बिल्कुल, स्टेमिना दीपक में ज्यादा है क्योंकि ज्यादा युवा है। मेडल मोहम्मद इनाम के पास ज्यादा है लेकिन यहां से संभवतः दीपक के अब मेडल गोल्ड मेडल की संख्या बढ़नी शुरू होगी। देखिए विनोद कुमार ओलंपियन कोच है और कह रहे हैं अभी भी संतुष्टि नहीं, कह रहे हैं चलाता जा यानी खींच धक्का यानी परेशान रख जिससे कि वो स्टेमिना लूज हो, पकड़ने का प्रयास हो और कहीं ना कहीं वो देखिए लगातार वही कुश्ती लड़ रहे जिसका हमने बात करी है तनेजा। ओहो, ये मूव किसके पक्ष में जाने वाला है? टाइम निकल चुका है, उठना पड़ेगा दोनों पहलवानों को। करीबी मुकाबला, लो स्कोरिंग फाइनल, लेकिन दीपक पुनिया ने एक एक करके 2 अंक बटोरे और 2-0 से आगे हैं अपने से कहीं अनुभवी इनाम के सामने। मोहम्मद इनाम बट पाकिस्तानी पहलवान बहुत अच्छी टांग लगाई थी लेकिन उतना ही खूबसूरती से उसकी काट की है और ये देखिए रेड जोन से बाहर गया। यहाँ निश्चित रूप से 2 अंक मिलने चाहिए थे लेकिन भारतीय कोच ने भी चैलेंज नहीं किया, शायद इसलिए नहीं किया कि कुश्ती के शुरुआती दौर में ये हो गया चैलेंज लॉस ना हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में चैलेंज नहीं भी करते हैं। बिल्कुल, 2 पॉइंट की लीड घट के 1 की भी रह सकती थी अगर चैलेंज का फैसला दीपक के विरोध में आता तो। चलिए, भारत के फिलहाल गोल्ड मेडल हैं 8, यहां जीते तो 9 गोल्ड मेडल हो जाएंगे। स्कॉटलैंड को चुनौती देना, स्कॉटलैंड को पीछे छोड़ देगा भारत मेडल्स टैली में अगर दीपक ये गोल्ड लाते हैं तो। मोहम्मद इनाम बट के पास 2 गोल्ड मेडल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, पर स्टेमिना दीपक के पास है और इनाम के चेहरे पे थकान दिखने लगी है। दीपक के पास पूरे स्टेडियम का समर्थन है। ओ, टंगड़ी अड़ाने की कोशिश, बच गए इनाम, अनुभव है उनके पास।
ये बहुत अच्छी बात है, हाथ और पैर दोनों ही चला रहे हैं लगातार, खेच रहा दस्ती खेच रहा प्रयास और भाग रहे हैं पाकिस्तान के पहलवान, ग्रिप से भाग रहे हैं। निश्चित रूप से रेफरी द्वारा हिदायत दी गई है, ब्लू टैग द्वारा उन्हें वार्न किया गया है, रेड और ब्लू दो टैग रेफरी के हाथ में होता है और उसी हाथ को आगे के करके बताया जाता है, क्योंकि इतनी आवाज में सुनाई तो देता नहीं है, लेकिन हाथ रेंज किया उससे पता चल जाता है कि आप आगे मत। और फिर से ग्रिप बनाने की कोशिश डिफेंस ही कर रहे हैं मोहम्मद इनाम, अब तक तो दीपक अगर बाहर ले गए तो एक पॉइंट मिलेगा, क्या बाहर गए जी नहीं, और काउंटर अटैक, वापस आइए, एक पॉइंट और मिला है दीपक को, क्योंकि रेफरी के अनुसार मोहम्मद इनाम बट स्टैंडिंग पोजीशन से ऑरेंज पट्टी से बाहर निकल गए थे। पर यहाँ पे इनाम बट नाखुश नजर आ रहे हैं कि ये पॉइंट गलत दे दिया गया, हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन से आप जोन से बाहर जा रहे हैं, तो ये कई बार टैक्टिस होती है, थोड़ी सी बहस कर लें और आप ऑक्सीजन कैरी कर लें। बिल्कुल, एक ब्रीदर मिल जाता है, दोनों रेसलर थके हुए हैं क्योंकि 6 मिनट गुत्थम गुत्थी होना बहुत कठिन काम है। नवा गोल्ड मेडल क्या भारत को दीपक पुनिया दिलवाने वाले हैं, एक अगर अच्छी ग्रिप मिल गई, एक बड़ा मूव लगा दिया तो पॉइंट्स की लीड अच्छी खासी कंसोलिडेट कर सकते हैं। इनाम ने तो अब तक कोई मूव लगाया भी नहीं है, सिर्फ बचे हैं ग्रिप से भागे हैं, जैसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं देसी भाषा में कि उसे सुस्ताने नहीं देना है, तो यहाँ दीपक पुनिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, 1 मिनट 20 सेकंड बहुत होते हैं, पाकिस्तानी पहलवान को सुस्ताने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, कोई ब्रीदर ना दें, ऑक्सीजन इकट्ठी ना करने दें, कॉन्सेंट्रेशन वापस हासिल ना करने दें, ये दीपक की कोशिश है, लेकिन अभी भी 1 मिनट है, क्या इनाम वापसी कर सकते हैं या नवा गोल्ड मेडल दीपक लाने वाले हैं। कृपा जी ने कहा है बिल्कुल आएगा गोल्ड मेडल, पूरा भारत कह रहा है कि गोल्ड मेडल आएगा, तीसरा गोल्ड मेडल रेसलिंग में, क्या दीपक इस 1 मिनट के बाद भारत को देंगे। और ये साफ नजर आ रहा है वो सुस्ताने नहीं दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, और दीपक पुनिया कोच ने जो कही है बात उसका पालन कर रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं, भगा रहे हैं, वो देखिए हाथ अड़ाकर टाइम पास करना चाहते हैं, हारता हुआ पहलवान कभी इस तरह टाइम पास नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये स्थिति भी निर्मित हो जाती है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने और बहुत बढ़िया हमें एंगल मिला वो देखने के लिए, कैसे हाथ अड़ाया पेट पे दीपक पुनिया के इनाम ने, और इस बार दीपक बचे हैं, बस 20 सेकंड और बाकी हैं, इनाम अब डेस्परेट हो रहे हैं कि एक मूव लगाएं, पर दीपक मूव नहीं लगाने दे रहे, दीपक के पास कंट्रोल है, दीपक पुनिया के पास भारत का समर्थन है, और अब दीपक पुनिया के पास कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल भी है। 3-0 से दीपक पुनिया ने भारत को रेसलिंग का तीसरा गोल्ड मेडल दिलवाया है, और ओवरऑल टैली में नवा गोल्ड मेडल जुड़ गया है भारत के खाते में, भारत ने पाकिस्तान को हराया है फाइनल में। बहुत बढ़िया दीपक पुनिया, शाबाश दीपक पुनिया, देश की शान बढ़ा दी है, यह गोल्ड मेडल निश्चित रूप से सबको प्रेरित करेगा, प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं दीपक पुनिया, और ये देखिए किस तरह भारतीय तरीके से उन्होंने हाथ जोड़कर पूरे दर्शकों के जो समर्थक हैं उनका अभिवादन स्वीकार किया, और ये स्लो मोशन जहां पर जोन से बाहर निकाला, स्टैंडिंग पोजीशन से बाहर हो गए थे, बाद में ग्राउंड में आ गए, और ये लेग अटैक फिर से दूसरे एंगल से हमने देखा, इनाम खुश नहीं थे, पर आखिरी खुशी आखिरी मुस्कान अंतिम स्माइल दीपक पुनिया ने